DLF 4 सेमेस्टर के लिए जो आपकी क्लासेस चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमारी 4 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने चैनल पर नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें सबसे पहले बेहतर तरीके से उनको देखेंगे, उनमें कॉन्सेप्ट क्लासेज है और ये हमारी है आपके जो प्रथम अध्याय उस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट सेकंड है। जैसा कि इसमें प्रश्न फर्स्ट आप देख पा रहे हैं कि 0.00027 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अगर आपके सम्मुख इस तरह की प्रॉब्लम फेस आती है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि जब भी दशमलव की संख्या दी हो तो दशमलव को रिमूव करना। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे 0.00027। अब देखो यहाँ पर देखना क्या है कि दशमलव के पश्चात कितने अंक हैं। तो दशमलव के पश्चात हम देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है। तो जब भी दशमलव को रिमूव करेंगे या हटाएंगे तो उसके बट्टे में एक पर उतने ही शून्य लगा देंगे, ठीक है? तो 6 शून्य आ जाएंगे आपके। अब 6 शून्य आ चुके हैं तो देखो यहां से दशमलव हमारा रिमूव हो चुका है। तो दशमलव से यानी अगर किसी भी संख्या से पहले शून्य होती है तो उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारे पास जो प्राप्त होगी संख्या हम उसको लिख देंगे 27/10 लाख। और यहां पर पूछा गया कि का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब आपको याद होना चाहिए कि घनमूल का शयन क्या होता है, करणी 3 लगी होती है। तो यहां से आप 27 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मैंने आपको बताया था भिन्न में किस तरह करेंगे, ठीक है? तो पहले 27 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 10 लाख के अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको क्यू या घन याद है तो आप बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप सीधे इसमें पुट करके। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो आपको याद होना चाहिए 3 3 9 3 27। हमने 27 के अभाज्य गुणनखंड याद किए, उसके पश्चात हम नीचे वाले यानी हर है उसके करेंगे। तो देखिए हर में कितने शून्य है, 6 शून्य। तो घनमूल का नियम नियम यह कहता है कि जब भी दहाई अंक है, ठीक है, तो उसमें से प्राप्त संख्या जो होगी उसका 1/3 आएंगे, तो यानी 2 शून्य आएंगे। लेकिन इसमें फैक्टर भी हम आपको करके बताएंगे, 100 × 100 × 100। तो देखिए अब आपको क्या याद करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल में हमेशा याद रखने की जो संख्या समान संख्या है उनका आपस में गुणा हो रहा है, उनमें 3 संख्याओं का एक पेयर बनता है और यहां पर भी 3 संख्याओं का एक पेयर बनेगा। जब 3 संख्याओं का एक पेयर बन जाता है तो घनमूल से सिर्फ एक ही संख्या बाहर आती है। वर्गमूल में जबकि 2 संख्याओं का पेयर बनता है उसमें से एक संख्या बाहर आती है जो समान होती है, ठीक है? तो यहाँ से 3/100 आपको 100 प्राप्त होगा। आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि आपका 3/100 है तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगर दशमलव में है यानी ऑप्शनल है तो आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो 3/100 यानी 100 का इसमें भाग देंगे। अगर भाग भी देना नहीं आ रहा है तो वैसे तो आप भाग दे सकते हैं, लेकिन भाग देना नहीं आ रहा तो ट्रिक क्या है इसकी, देखो बट्टे में कितने शून्य है, 2। तो यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना जरूरी है आंसर में आपके प्राप्त होंगे और यह हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, रूट में 4 सही 29/49। अब जब संख्या मिक्स फ्रैक्शन में हो यानी संयुक्त भिन्न के रूप में हो, हिंदी में संयुक्त भिन्न बोलेंगे, अंग्रेजी में मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछा जाए आपसे तो सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि जो मिक्स फ्रैक्शन है उसका है इसको सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में हम उसे बदल लेंगे, ठीक है? तो इसको बदलेंगे जब 49 का क्या करेंगे, तो करते क्या है इसका इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 × 4 प्लस के ये 29 इसमें ऐड हो जाएंगे अपॉन 49 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो 49 का आपको 4 में मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम 4 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 × 4 = 196। आपको याद होना चाहिए, या तो आपकी कैलकुलेशन बेहतर होने के लिए क्या करना होगा, आपको वर्ग और वर्गमूल यानी घनमूल याद करने होंगे। तो 196, ठीक है, + 29/49 आपका 49 हो जाएगा, ठीक है? इसको इसमें जोड़ देंगे, 196 में जब 29 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 225, ठीक है, 225/49। अब आपको याद होना चाहिए कि देखो यहां पर करणी का कोई साइन नहीं है, जिसका कोई साइन नहीं होता है उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है। अगर करणी 3 लिखी है या 4 लिखी है तो हमें उसके फैक्टर बनाने होते थे, कोई साइन नहीं तो हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, इतना याद समझ लीजिए, ठीक है? तो यहां पर आप क्या करेंगे, 225 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके पश्चात हम 49 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर आपको याद है तो बेहतर, नहीं तो आपको 225 जिस तरह करते हैं हम इस तरह आपको फ्रैक्शन करनी होंगे, ठीक है? लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 225 किस संख्या का वर्ग होता है। यू नो दैट, आप सभी लोग जानते हैं कि 225 जो है वो 15 का वर्ग होता है, यानी 15 × 15/49 जो होता है वो 7 का वर्ग होता है, ठीक है? अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, वर्गमूल है, कोई साइन नहीं दिया है तो वर्गमूल, तो 2 का पेयर बनाएंगे, यहां से 2 का 1 पेयर बनेगा, ठीक है? तो भार संख्या क्या प्राप्त होगी आपकी, 15/7 प्राप्त होगी।
या आप इतना आंसर लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका आंसर आ चुका है, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में पुनः ही उसी फ्रैक्शन में यानी उसी चेंज में रूप में लिखना है तो 7 का इसमें भाग दे देंगे, 7 दूनी 14 आपका आंसर हो जाएगा, आपका 2 सही 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। बेहतर तरीके से आप इसको भी समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके सम्मुख, ये बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर कोई भी क्वेरी फिर भी रहती है समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स और सुझाव के द्वारा ही हम अपनी प्रत्येक वीडियो में इंक्रीज करते हैं बेहतर सुझावों के द्वारा। तो अगर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा यह है मित्रों के रूट में दिया हुआ है 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर भी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब जब इस तरह का आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आएगा, तो देखो प्रत्येक टाइप के हमने सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए बेहतर तरीके से वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके जब तक वीडियो कंप्लीट देखेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये 41 का स्क्वायर है, ये 40 का स्क्वायर है, अब आपके ऊपर एक वर्गमूल और लगा हुआ है यानी वर्ग इसका रूट लगा हुआ है, ठीक है, तब क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है, आपने प्रीवियस आपके जो सेमेस्टर था उसमें आपने आइडेंटिटी याद की थी कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम खोलते हैं फ्रैक्शन करते हैं तो इसका एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है, तो वही प्रोसेसिंग यहाँ पर हमें लगानी होगी, जिससे हमारी क्या करेंगे आप देखो, अगर आप यहाँ पर करोगे तो पहले 41 का वर्ग करोगे फिर 40 का वर्ग करोगे, 41 का वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसको 40 के वर्ग से घटाओगे फिर उसका वर्गमूल निकालोगे, तो बेहतर है कि आप इस आइडेंटिटी के थ्रू इसको कर लीजिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, 41 माइनस के 40, एक में माइनस कर दिया और एक में प्लस कर दिया, ठीक है, तो देखिए 41 में से जब 40 घटाएंगे हम तो यहां पर एक बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा आपका, यहां पर आपके एक बचेगा, एक इंटू, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41 और 40 आपको याद होने चाहिए 81 होते हैं, ठीक है, 81 का जब मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक का किसी में भी मल्टीप्लाई करें वही संख्या आती है तो 81 ही आ जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, कुछ साइन नहीं है तो वर्गमूल ज्ञात करना है, अब इसमें फैक्टर आप अभाज्य कर लीजिए, या तो आपको जानते हैं कि ये 9 का वर्ग होता है, इस तरह भी कर सकते हैं आप, तो एक पेयर बाहर निकलेगा इजिकल टू 9 आपका आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा आपके अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए नोट करते हैं उसको भी, अगर आपके सम्मुख इस तरह का प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर फोर है आपके सम्मुख 3/2 + √2, ठीक है, अब इस तरह का प्रश्न आता है को हल कीजिए, यानी इसको हमें सॉल्व करना है, को हल कीजिए। अब देखिए जब यह नीचे वर्गमूल दिया हुआ है संख्याओं में, अब इसको करोगे फ्रैक्शन भी होंगे, तो इसके नियम मैंने आपको कड़ी का नियम बताया था, तो क्या करते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसी के समान गुणनखंड वाला नेगेटिव साइन वाला से ही क्या करते हैं अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही करना होगा, सबसे पहले तो इसको नोट करेंगे हम 2 + √2, अब इसके नेगेटिव साइन वाला और समान गुणनखंड क्या होगा उसी से हम क्या करेंगे, ऊपर माइनस का होना चाहिए बस, साइन बदलना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब क्या करना होगा देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और होगी, तो हमें पता है कि यहां से इसको ये उसी फॉर्म में देखो इसी फॉर्म में फॉर्मेट में हमें मिल गया, जो कि हमने आइडेंटिटी आपको बताई थी, a² - b² बराबर होता है आपका a + b और a - b, अब देखो ये प्राप्त हुआ है तो हम इसे इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना होगा आपको 3 × 2 - √2, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस b आपका a ये हो जाएगा b ये हो जाएगा, ठीक है, और √2 का स्क्वायर, अब आपको याद होना चाहिए कि इसको स्क्वायर कर देंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि आपको इस तरह आंसर आपको मिल जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे फिर भी 2 कॉमन लेके आपको वही लाना होगा, इसलिए 2 - √2 / 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट जाता है, याद होना चाहिए माइनस का 2 बचेगा,
यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, तीन टू माइनस के रूट टू बटे चार में से दो गए तो हमारे पास दो बचेगा और यही आपका आंसर होगा। आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या 256 एक पूर्ण घन संख्या है। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या 256 एक पूर्ण घन संख्या है, ये आपके प्रश्न है। देखो पूर्ण घन भी पूछा जा सकता है, जो कि पूछा गया, पूर्ण वर्ग भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है कौन सी नहीं है। ये आपको याद होगा, क्योंकि याद कब होगा, जब तो आप वर्गमूल याद कर लेंगे, यानी वर्ग याद कर लेंगे उन संख्याओं के। मोर देन 10 तक आप याद कर लीजिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और 10 तक आपको क्यूब याद करने होंगे, यानी घन याद करने होंगे, तब भी आप समझ पाएंगे। अगर याद नहीं है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके 256 की। क्या करना होगा, हमें इसको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो दो का एक बार जाएगा, दो एक दो, दो दुनी चार, एक बचा दो अट्ठे 16, फिर पुनः देंगे इसमें, और जब तक यह प्रक्रिया बता दोहराते हैं कि जब तक अंतिम अंक एक ना जाए। दो छक्के 12, दो चक 8, दो से दो तिया 6, दो दुनी 4, फिर पुनः देंगे दो एकन दो, दो छक्के 12, पुनः देंगे दो अट्ठे 16, फिर पुनः देंगे दो चक 8, फिर पुनः देंगे दो दुनी 4, फिर पुनः देंगे दो एकन दो। तो ये हमारे पास हमारा देखो एक आ चुका है, लास्ट में हमारी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब हमें क्या करना होता है, इसके जो फैक्टर लिए हुए हैं गुणनखंड अभाज्य, उनको नोट करना होता है। दो इंटू दो इंटू दो कितनी बार है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इस तरह आप लिख सकते हैं, दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो। अब देखिए घन संख्या है, घन का मतलब है क्यू, क्यू में मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन का पेयर बनाते हैं, यानी जो समान है उनके तीन का एक पेयर बनेगा, तीन का एक पेयर बनेगा। लेकिन आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां तीन का पेयर नहीं बन पा रहा है, बस यही आपको देखना होता है। वर्गमूल में दो का पेयर बनाएंगे, जब दो का पेयर नहीं बन पाएगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जब घनमूल में हम देखेंगे तो घनमूल में तीन का पेयर बनेगा, जिसने आवाज घुड़न खानाएंगे उसमें से तीन तीन का एक पेयर बनता चलेगा, ठीक है। तो तीन का पेयर यहां पर नहीं बन पा रहा है, तो हम कह देंगे कि यह घनमूल पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें तीन का पेयर नहीं बन पा रहा है, जो कि हमारा घनमूल का नियम होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इस तरह से, आप अगर कोई भी वर्ग या वर्गमूल से प्रश्न बनेगा तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है हमारा कि चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी, यानी चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। यहां पर आपका प्रश्न पूर्ण घन भी पूछा जा सकता है, पूर्ण वर्ग भी, ठीक है। दोनों में जैसे भी क्वेश्चन बनने की संभावना होगी मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो आपको देखना होगा कि चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, यानी ऐसी चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि जो कि पूर्ण वर्ग होगी। तो सबसे पहले तो हमें यह याद होना चाहिए कि चार अंकों की हम जानते हैं क्या, जानते हैं भाई, हम जानते हैं क्या, जानते हैं कि हमें याद है कि जो हमारी चार अंकों की जो बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या होती है वो होती है 9999। इसमें चार अंक है, पांच अंक जाएंगे तो हमारे, तो आपकी छोटी संख्या जाएगी, वो बड़ी संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या आता है आपको कि भाई 9999 जो है हमारी चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है। लेकिन पूर्ण वर्ग है कि नहीं यह ज्ञात करने के लिए यहां पर पूछा है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग याद करने के लिए क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। या तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि के द्वारा, या मैंने आपको बताया था दो विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं, या भाग विधि के द्वारा। जब संख्या लेंथी हो तो हम भाग विधि को ही अपनाएंगे, ठीक है। तो यहां हम आपको एक भाग विधि के थ्रू ही करके बता देते हैं, जिससे आपके क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए भाग विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, हम दाई ओर से पेयर बनाते हैं, ठीक है, दाई ओर से, यानी दो दो का जोड़ा बनाते हैं, और प्रारंभ करना करते हैं बाई ओर से। तो यहां पर हमें पहले पेयर में यह देखना होता है, क्या देखना होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम भाग दें जो इसके वर्ग के करीब हो, बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है।
तो जब हम देख पा रहे हैं कि जो 99 यानी 99 है वो 9 का वर्ग होता है 81, यानी 9 के वर्ग के करीब है, 10 का वर्ग होता है 100, उसे कम है, तो 10 का तो जाएगा नहीं तो 9 का जाएगा, तो 9 का कितनी बार जाएगा, 9 बार ही जाएगा, 9 नम्मा 81, ठीक है। तो यहां पर घटा देंगे इसको, यहां पर बचेगा 8 और यहां पर बचेगा। अब क्या करते हैं, हमारा भाग का नियम क्या कहता है, इसी संख्या को दोगुना करके यहां लिख देते हैं, ठीक है, या इसमें उतने संख्या को ऐड कर देते हैं। तो 9 और 9 कितने हो गए आपके, 18। जब अगली संख्या से, भाग विधि में ये आपको याद रखना, जब अगली संख्या से हम इसको पेयर को नोट कर लेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या छोटी है, अगली संख्या पर क्या कहा हमने, पेयर को नोट किया यहाँ पर जो अगला जोड़ा था। अब जब इस संख्या में भाग देंगे 1899 में, तो करना क्या होता है, जिस संख्या से भाग देते हैं वो यहाँ यूनिट डिजिट यानी इस संख्या के 18 जो है इकाई अंक में रखी जाती है, उतने का ही उसमें मल्टीपल किया जाता है, ठीक है। तो देखो कितनी बार जा पा रहा है, यहाँ पर हमें देखना ये होगा कि कितनी बार जा रहा है, ठीक है। तो देखो 9 का जाएंगे तो 9 अट्ठे 72 यानी चला जाएगा, तो 9 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और आगे प्लस कर देंगे, जबकि ये बन जाते हैं तो 9 नम्बर 81, 9 बार गया, ठीक है, तो 9 नम्बर 81 बचे साहब 8 9 अट्ठे 72, 72 और 8 80 हासिल बची, 8 9 91 9 9 और 8 17, तो हमें प्राप्त हुआ 1701। अब क्या करेंगे, इसमें से शेष घटा देंगे, क्या बचेगा यानी घटाएंगे तो 8 बचेगा, 9 से यहां पर 9 बच और यहां पर, यानी आपका 198 शेष बचा है, ठीक है। जब देखो जब शेष बचेगा तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी, याद रख लेना जो दी हुई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो संख्या थी उसमें से शेष को हमेशा क्या करना होता है, जो संख्या दी है उसमें से शेष को घटाना होता है, ठीक है। शेष को घटा देंगे तो 9999 में से जब 198 घटाएंगे, ठीक है, तो देखो 9 से 8 गया तो क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा, 9 से 9 गया तो 0 बचेगा, 9 से 1 गया तो 8 बचेगा और 9। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या मैं आपको ट्रिक बताता हूं, यहाँ पर देखो आप ट्रिक भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर भाग हमारे 99 का क्या कर देंगे, हम स्क्वेयर कर देंगे, 9 का स्क्वेयर कर देंगे, ठीक है। तो 9 का स्क्वेयर करने के लिए अगर 99 का स्क्वेयर याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि 9 का स्क्वेयर करेंगे, ठीक है। तो या ये ट्रिक याद रख लीजिए, ए स्क्वेयर बटे 2ab और बी स्क्वेयर, ठीक है, 9 का स्क्वेयर करेंगे, 9 नंबर 81, 81 की 1 हासिल, 8 उधर भेज देंगे, ठीक है, जो रिमाइंडर है उसको इधर भेज देंगे, जो हासिल है उसको इधर भेज देंगे, 9 नंबर 81, 81 दूनी 162, 162 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएंगे, 170 की हमारी कितनी आएगी, 0 आएगी, हासिल हमारी 17 बचेगी, 17 इधर भेज देंगे। अब 9 नंबर 81, 81 और 17, जब 81 में 17 जोड़ेंगे तो हमारे पास 98 आएंगे। आप इस तरह भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी रिमाइंडर बचेगा तो वह जब भी पूर्ण संख्या पूछे घन पूछे जाएगा तो वह, या वर्ग पूछी जाएगी तो वह इसके ही वर्ग या घनमूल पर होगी, याद रखना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 392, जिसे 392 को, जिसे 392 को गुणा करने पर, 392 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में 1 घन संख्या प्राप्त हो। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन है इसमें कुछ नहीं, बस आपको समझने की जरूरत है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 392 को गुणा करने पर गुणनफल यानी जो गुणनफल आएगा वो 1 घन संख्या प्राप्त हो। तो 392, सबसे पहले तो 392 को ही ज्ञात कर लीजिए, इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, ठीक है। तो कर लीजिए, देखो यहां से अभाज्य गुणनखंड करने का नियम, भाज्यता के नियम आपको याद रखिए, जब संख्या क्या होती है हमारी 0 2 4 6 यानी सम संख्या, तो सम से भाजित होगी, विषम है तो विषम से भाजित होगी, तो सम है तो सम से ही जाएगा, ठीक है, सबसे छोटी संख्या से देंगे। 2 एकम 2, 2 नम्मा 18, 2 छक्के 12, 2 नम्बर 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 नम्बर 18। अब ये विषम आ गया तो 7 से जाएगा, ठीक है, 7 सत्ते 49, और ये हमारी प्रक्रिया संपन्न होगी जब तक 1 नहीं आता है। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना होता है,
पूछा क्या है, एक घन संख्या, घन संख्या तो या क्या करेंगे जिसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, सबसे पहले उनको नोट करेंगे, 2 × 2 × 2 × 7 × 7, ठीक है। तो देख घन में क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं जो समान संख्या को मल्टीपल हो रहा होता है, लेकिन यहां पर जो संख्या क्या है, पेयर नहीं बन रहा है, पेयर जब बनेगा जब 1 और 7 का मल्टीपल करेंगे। तो वही संख्या पूछी गई है कि किस संख्या से हम 392 में गुणा करें, किस संख्या गुणनफल के रूप में घन संख्या प्राप्त होगी, तो हम कह देंगे यहां पर कितने से मल्टीपल करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, और आपका आंसर जो होगा वो 7 ही होगा, क्योंकि 7 से गुणा करने पर इसका पेयर बन जाएगा और वह संख्या जो है वो पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों के कुछ एक एक टाइप के इससे पहले भी हम आपको करा चुके हैं, इसलिए अगला टाइप है हमारा किसी घनाकार बॉक्स का आयतन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी चलता चलेगा, ठीक है। किसी घनाकार बॉक्स का आयतन, किसी घनाकार बॉक्स का आयतन आपको दिया हुआ है 32.768 मीटर क्यूब है, ठीक है। भुजा ज्ञात कीजिए, यानी इस घन की या घनाकार बॉक्स की क्या ज्ञात करनी है आपको, तो भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह का आपको सबसे पहले तो ये आपको घनाकार जो घना घन होता है यानी क्यूब होता है उसका वॉल्यूम आपको ज्ञात होना चाहिए, वॉल्यूम के फॉर्मूले ज्ञात करने, भुजा के लिए फॉर्मूले, उसके वक्र पृष्ठ के लिए, तो ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूले पहले करा चुका हूं, आप वहां बेहतर तरीके से देख लीजिए। तो देखिए हमें पता है कि सबसे पहले तो देखो दिया है हमें आयतन, उसको नोट कर लेंगे, यानी क्या दिया है, जो दिया है उसे नोट कर लेंगे, आयतन, आयतन इज इक्वल टू हमारा है 32.768 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फॉर्मूला जब भी घनाकार बॉक्स का वो आएगा तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयतन यानी किसी भी घन का आयतन जो होता है, आयतन बराबर होता है फॉर्मूला भुजा का क्यूब, क्योंकि घन होता है, घन की तीनों भुजाएं समान होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, तो भुजा का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करनी है, भुजा का क्यूब, क्या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पक्षांतर करके, भुजा का क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा आयतन, ठीक है। तो देखिए भुजा का क्यूब बराबर वॉल्यूम की जो वैल्यू दिया उसको पुट कर देंगे यहां पर 32.768, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब आपको ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात आपको करनी है कि भुजा, तो भुजा बराबर यहां से भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यूब है इसके ऊपर चला जाएगा, यानी ये क्यूब करनी बन जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगा 32.768। अब देखिए ये क्या करेंगे, हम इसको दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे बराबर हो जाएगा 3, 2, 7, 6, 8, यानी दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, 7, 6, 8 दशमलव बढ़ गया तो एक पर कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे हमारे, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं बट्टे में उतने ही हो जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। अगर आपको ज्ञात है या याद है कि ये कितने का फैक्टर होता है, अगर आपको वर्ग याद है या वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जैसे कि ये जो है क्यूब होता है वो कितने का होता है, ये 32 का क्यूब होता है, ठीक है, यानी 32 × 32 × 32, और ये कितने का होगा, 10 का 10 × 10 × 10, ये आपको याद होनी चाहिए। तो देखो क्यूब लगा हुआ है तो क्या होगा, घन ज्ञात करना है, 3 का 1 पेयर निकलेगा, तो हमारा जो राशि बाहर निकलेगी वो होगी 32/10 आपको प्राप्त होगा, ठीक है, 32/10, जब इसका 10 का इसमें भाग देंगे तो हमें दशमलव में संख्या प्राप्त होगी 3.2, यही हमारा आंसर होगा इसका, ये हमारी क्या होगी, भुजा जो निकल कर आएगी वो 3.2 मीटर में निकल कर आएगी, जो वैल्यू किसकी आएगी, भुजा की जो पूछी गई है। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है आपको बेहतर तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम क्वेश्चन इसी पर आधारित और किस तरह और ज्यादा टफ बन सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो डीएलएड आपको ध्यान में रखते हुए बेसिक और टफ क्वेश्चनों को दोनों को इंक्लूड किया है। तो यहां पर जो हमारा 9वां क्वेश्चन है सेम है, बस कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, और अपने पेन पेंसिल के थ्रू इसको भी आप करने की कोशिश करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। तो एक घनाकार है, घनाकार कंपोस्ट खाद बॉक्स है, कोई कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन आपको दिया हुआ है,
आयतन 13.824 8.24 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहां पर भी पूछा गया है गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर आपको देखना है सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसा लगे, अजीब लगे, उसकी थोड़ी सी भाषा को बदल दिया गया है। कोई घनाकार कंपोस्ट खाद का गड्ढा है, यानी एक घन की तरह उसका आकार है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, उसके गड्ढे की गहराई। अब आपको याद होना चाहिए कि घन जो होता है उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा इसे ऊंचाई बोलते हैं, उसी को गहराई बोलते हैं, ठीक है। तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो कि हम पहले से इस पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था, कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि आयतन बराबर फॉर्मूला था हमारा, यानी किसी भी घन का आयतन बराबर होता है हमारा भुजा का क्यूब। तो हमें यहीं पर ये याद रखें, बस गड्ढे की गहराई का मतलब है कि हमें क्या करना है, उस गड्ढे की एक भुजा निकाल लेंगे तो हमें गहराई मिल जाएगी, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि गहराई आपकी समान होती है घन की, इतना याद रखना है। तो यहीं पर फिर उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, भुजा का क्यूब बराबर आयतन। अब देखो यहां आयतन की वैल्यू दी गई है, तो उसे पुट कर देंगे सेम वही सिचुएशन, उसी तरह बिल्कुल सॉल्व करना है, तो 13.824, ठीक है, ये क्यूब इधर चला जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 13.824। अब आपको क्या करना होगा, सिंपल देखो दशमलव में है, दशमलव से क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम दशमलव को हटाने की कोशिश करते हैं, रिमूव करेंगे, किस तरह करेंगे, तो यहां से सिंपली हो जाएगा आपका 13.824। देखो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3 अंक, तो एक पर उतने ही शून्य हमारे लग जाएंगे, 3 शून्य लग जाएंगे, और हमारा दशमलव अब हट चुका है, ठीक है। तो 13,824, 13,824 के आपको फैक्टर करने होंगे, ठीक है। या तो आपको करना क्या होगा, या तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ये कितने का फैक्टर होता है, ठीक है, तो ये एक फैक्टर होता है आपका, यानी क्यूब होता है 24 का, कितने का क्यूब होता है 24 का, तो यहां से इसके जो फैक्टर निकलेंगे वो 24 × 24 × 24 और हजार के निकलेंगे 10 × 10 × 10, ठीक है। तो देखिए पेयर बनेगा क्योंकि क्यूब है, तो पेयर बनेगा, 3 का 1 पेयर बनेगा, यहां से भी 3 का 1 पेयर बनेगा, तो बाहर निकलेगा आपका 24/10, 10 का जब 24 में भाग देंगे तो 2.4, भाग नहीं दे रहा है तो 0 कितनी है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। मीटर आपका जो कि भुजा है या गहराई है, गड्ढे की गहराई 2.4 मीटर आपकी निकल आएगी, जो कि आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी बेहद और महत्वपूर्ण हैं, तो सभी इस तरह के जितने भी हमारे टफ लेवल से, यानी कितने किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को एक एक दो दो टाइप आपके करा चुके हैं, और इससे पहले वाली वीडियो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसको भी जरूर देखें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 4√3 गुणा √18 बटे √12 का मान ज्ञात कीजिए, इस तरह इसमें लिखा हुआ, या तो बोला जा सकता है इसको हल कीजिए या का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए करनी है, ठीक है, करनी की भाग घटाओ जोड़ भाग गुणा भाग, ये आदि संक्रिया मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, तो ये हमें सबसे पहले इसको फैक्टर करने होंगे। 18 के आपको फैक्टर याद होना चाहिए, क्योंकि इसको भी एक करनी के रूप में लिखना है, इसको भी करनी के रूप में लिखना हुआ, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 4√3 हो जाएगा इंटू, रूट में अगर हम देखेंगे तो 2 3 6 3 18, आपको फैक्टर आने चाहिए, सीधे कैलकुलेशन बेस्ड आप करते चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती चलेगी, आपको अभाज्य गुणनखंड उस तरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको क्यूब और घन याद हो जाएंगे। तो यहां पर भी आपको क्या करना होगा, 2 2 4 3 12, इस तरह। अब देखो ये क्यू है यानी स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग है, तो वर्गमूल से 2 का पेयर बनेगा, यहां से भी एक 2 का पेयर बनेगा, क्योंकि यहां पर कुछ दिया नहीं गया, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहां से देखो निकल कर आएगा 4√3 × 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा आपका, और यहां से 2 बाहर आ जाएगा 1 और 3 बन जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, देखो जब हम करणी का गुणा करते हैं तो या इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका रूट वाली का रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा कर्णी को, ऊपर वाले को सॉल्व करना होगा, उसके पश्चात भाग देंगे। अगर आपने यहीं से इसको काट दिया तब आपका बिल्कुल आंसर गड़बड़ा जाएगा, तो यहीं पर काटने नहीं, पहले इसको
कर्णी को जो गुणा वाली है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा आपका, रूट रूट का रूट में गुणा करेंगे तो 2 3 6, रूट 6 हो जाएगा, बटे हमारा 2√3 था। अब इसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे क्योंकि साधारण रूप में आ गया, 2 का भाग देंगे 12 में, 6 बार जाएगा। √3 का रूट 6 में भागेंगे तो √3 1√3 2 बार, यानी क्या आ जाएगा आपका आंसर, 6√2 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप, इस तरह की प्रॉब्लम जब फेस होगी आपके सामने तो बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है आपके सम्मुख तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि माइनस के 2 से 43, क्वेश्चन नंबर 11वां, माइनस के 2 से 43 में क्या जोड़ें कि, क्या जोड़ें कि, माइनस के 2 से 43 में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या हो, क्या हो, पूर्ण घन। पूर्ण घन का मतलब होना चाहिए वो क्या हो, क्यूब, ठीक है, पूर्ण घन संख्या हो। अब देखिए आपके समक्ष दिया है, सबसे पहले तो माइनस का 2 से 43 दिया है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, माइनस को बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, ठीक है, क्योंकि आपकी माइनस की संख्या आपको ऐसा लगेगा कि पैनिक हो जाओगे किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाइए कि ये प्लस के 2 से 43 है। तो क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड, 2 से 43 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे हमें, ठीक है, 2 से 43 के अभाज्य गुण, यहाँ संख्या क्या है, ये विषम है तो विषम से ही भाग जाएगा, इतना आप याद रखें, ठीक है, तो विषम है तो विषम से जाएगा, सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा, 3 2 6 बचे 2, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा आपका 3 9 27, पुनः 3 3 9, फिर एक बार 3 1 3, जब तक यह प्रोसेसिंग करेंगे, हमने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड वाली के अंतिम अंक 1 ना हो जाए, ठीक है। अब देखो संख्या पूछा है पूर्ण घन है कि नहीं, घन के लिए तो सबसे पहले जो अभाज्य गुणनखंड के हमारे जो निकले फैक्टर्स उसको नोट करना होगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, ये आपके इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो पूर्ण घन के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि हमें 3 का 1 पेयर बनाना होता है, 3 का 1 पेयर बन गया, ठीक है, अगला पेयर नहीं बन रहा है, तो अगला पेयर नहीं बन रहा है तो बस यही से आपको समझना है कि ये पूर्ण घन संख्या तो है नहीं, लेकिन उसमें पूछा गया है कि क्या जोड़ें, आपसे कहा जाता कि गुणा करें, तो गुणा करना होगा आपको 3 का 3 का, आप इसमें गुणा कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी, लेकिन पूछा गया है जोड़, जोड़ने के लिए, तो आपको 3 अगर इस तरह करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन आपको पेयर जरूर बनाना होगा, इसमें पूछा गया कि जोड़ें, जोड़ेंगे जब ना, जब हम इसके पेयर कंप्लीट कर लेंगे, तो 3 पेयर बनाने के लिए इसमें एक 3 का मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, यानी अगर इसमें संख्या को पूर्ण घन बनाना है तो कितने जोड़ने होंगे, 27 जोड़ने होंगे, कितने जोड़ने होंगे, 27 आपका, 3 3 9 9 3 27, आपको इस तरह का एक पेयर का क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब देखो उत्तर की जांच किस तरह करते हैं हम, 27 जोड़ने हैं तो माइनस के 2 से 43 में आपके इसमें आपको 27 जोड़ने हैं, 27 जोड़ दीजिए भाई, जब हम इसमें 27 जोड़ेंगे तो याद रखना ये माइनस के हैं तो ये माइनस के अधिक हैं, 27 प्लस के जो कम है, तो कटेंगे यहां से, इतना याद रखना, यहां से हो जाएगा 13, 13 से 7 गए तो अब आपको घटाना होगा, 13 से 7 गए तो आपको 6 बचेगा, यहां पर बचा आपका क्या, 3 बचा था, एक यहां से कैरी उधर चली गई, ठीक है, तो यहाँ 3 से 2 गए तो 1 बचा, और यहाँ 2 ऑलरेडी है तो 2 से 16, अब आप देख सकते हैं कि 2 से 16 कितने की पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपकी पूर्ण घन संख्या है, और कितने का घन है, ये 6 का घन है, 6 6 36 36 6 के 2 से 16, इस तरह आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने जोड़ने होंगे भाई, 27, माइनस के 2 से 43 में 27 जोड़ेंगे तो संख्या जो प्राप्त होगी वो पूर्ण घन होगी। उम्मीद करता हूं मित्रों ये जो प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मोर देन लाइक मोर देन शेयर।